दोस्तों, अगर आपको सोलर पैनल लेना है या इसके बारे में कोई भी डिटेल चाहिए सोलर इन्वर्टर सोलर पैनल के बारे में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो पैनल होते हैं हमारे सोलर पैनल होते हैं उनको सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये चार पैनल हैं सोलर के। एक पैनल की कैपेसिटी है जो वो 12 वोल्ट 8 एम्पीयर की है। ऐसे ही हमारे पास चार पैनल हैं और उनके दो दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सीरीज को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कैसे कनेक्शन करेंगे सोलर पैनल के। और दूसरा क्वेश्चन आता है फ्रेंड, सीरीज कनेक्शन करने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल का आइकॉन होगा उसको भी दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो नहीं डालूंगा तब। ठीक है, एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पैरेलल कनेक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमें जो सीरीज कनेक्शन है उस की करने की क्या जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि इन्वर्टर यानी कि सोलर, आजकल सोलर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे सोलर का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक जगह पे जैसे कि घरों में इन्वर्टर पे यूज किया जाता है, एसी जो हम लगाते हैं वहां पे यूज किया जाता है, पेट्रोल पंप के ऊपर भी यूज किया जाता है, स्कूलों में ये लैब होती है जो कंप्यूटर लैब होती है वहां पे यूज किया जाता है, और आजकल जो स्ट्रीट लाइट लगती है वहाँ पे भी डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करके, इसको चार्जर के साथ कनेक्ट करके हम यूज कर रहे हैं। तो बैटरी इसको सीरीज में कनेक्ट करने की क्या जरूरत पड़ी। जैसे कि हमारे पास इन्वर्टर या यूपीएस है वहाँ पे उसकी कैपेसिटी देखी जाती है कि कितने वोल्ट इसको चार्जिंग के लिए, यानी कि कुछ इसकी डीसी वोल्टेज कितनी है, यानी कि 24 वोल्ट का है या 36 वोल्टेज का है या 48 वोल्टेज का है या 12 वोल्टेज का है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम इनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सीरीज कनेक्शन, उसके बाद हमारा करने के बाद क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमने एक पैनल है जो चार पैनल है 1 2 3 4, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है पहले का और ये नेगेटिव है, और दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव नेगेटिव, चौथे का भी पॉजिटिव नेगेटिव है। जो पहले का पॉजिटिव है उसको हम एक बार छोड़ देंगे और जो पहले का नेगेटिव है उसको हमने वायर की सहायता से जो दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, और जो दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल बचता है उसको हमने तीसरे के पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है, और जो इसका चौथे तीसरे का जो नेगेटिव टर्मिनल बचता है उसको हमने चौथे के पॉजिटिव में जोड़ देना है यहाँ पे, और जो चौथे का नेगेटिव टर्मिनल बचता है उसकी एक वायर की सहायता से हम अलग ले आते हैं, और उसको हम क्या करेंगे, जो पहले वाले का पॉजिटिव बचा था उसको भी हम उसकी पास ही ले आएंगे। तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो जितनी भी इसकी वोल्टेज होगी वो जैसे कि 12 वोल्ट है, ये 12 12 12 ये ऐड हो जाएगी, 48 वोल्ट बन जाएगी, और करंट हमारा सेम रहेगा, यानी कि करंट हमारा 8 एम्पीयर का 8 एम्पीयर ही रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो सीरीज में सीरीज का सिस्टम होता है फ्रेंड्स, जब हम सीरीज में किसी चीज को जोड़ते हैं यानी कि जो पैनल है या बैटरी है इसको जोड़ते हैं, तो वोल्टेज हमारी है वो ऐड हो जाती है और करंट है वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये था इसका सीरीज का फंडा। मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है या कोई कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे होगा ये, तो हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर देना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल देसी इंजीनियरिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।